गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज रवि राठौर. आई वेलकम यू ऑल ऑन वाईफाई स्टडी बाय एन अकेडमी. दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन. हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम ग्रामर का सबसे, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस कर रहे हैं प्यारे बच्चों. टेंस बच्चों को बहुत परेशान करता है, ठीक है. टेंस को लेकर बच्चा हमेशा ही टेंस रहता है, टेंशन में रहता है, ठीक है. हम इसको अपने अकेडमिक से ही करते आए हैं, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, और हमेशा ही हमने इसे रूल नंबर में सीखा है. फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, याद है, प्लस ऑब्जेक्ट. तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे. एक चीज आई अश्योर यू कि अगर आपने जिस तरीके से मैं इसको सिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसको इसी पैटर्न में सीखा, तो आपको जीवन में दोबारा 10th चैप्टर परेशान नहीं करेगा. नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा, नोट करिएगा. चलिए आइए शुरू कर दें प्यारे बच्चों. आज पहली क्लास है टेंस की, ठीक है. सब बच्चे नोट्स जरूर बनाना दोस्तों, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है. चलिए स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. एक एक चीज के नोट्स बनाएंगे. चलिए आइए शुरू कर दें. कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर. सबसे पहले द हिंदू एडिटोरियल शो प्यारे बच्चों, बिकॉज ऑफ योर डिमांड दोबारा से मैंने वाईफाई स्टडी चैनल पर शुरू कर दिया प्यारे बच्चों. द हिंदू एडिटोरियल क्लास, ये हर रोज सुबह 6 बजे दोस्तों, हर रोज सुबह 6 बजे ये क्लास हो रही है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों, आने वाले आपके किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं. हर रोज सुबह 6 बजे ये क्लास होती है वाईफाई स्टडी चैनल पर. इस पर हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, ठीक है. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकैब में स्पेलिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग. ग्रामर में अगर हम बात करें, सारा का सारा ग्रामर. इसके अलावा रीडिंग में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे. क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे. PQRS सेंटेंस रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस करेंगे. तो यानी होलसम पैकेज बन जाता है प्यारे बच्चों. जरूर जरूर लगाइए सुबह 6 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पर, ठीक है. इसके अलावा दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं SSC गुरु चैनल पर 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर MTS और GD, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है प्यारे बच्चों. SSC गुरु चैनल पर ये क्लास होगी. SSC गुरु यूट्यूब चैनल है. अगर अभी तक आपने इस पर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे बच्चों, आज शाम को 7 बजे. तो सुबह 6 बजे वाईफाई स्टडी पर द हिंदू एडिटोरियल लगाइए, और शाम को 7 बजे SSC गुरु पर ग्रामर की क्लास लगाइए, ठीक है. तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, आप YouTube पर 2 सेशन मेरे साथ कर सकते हैं. 6 बजे सुबह द हिंदू एडिटोरियल और शाम को 7 बजे ग्रामर की क्लास कर सकते हैं. बात करें अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो वहां पर भी आप दो बार मेरे साथ जुड़ सकते हैं पर डे, ठीक है. रवि सिंह नाम से मेरी प्रोफाइल है प्यारे बच्चों, वहां पर सर्च करके फॉलो कर लीजिए. इस वाली फोटो के साथ आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, आपको सारे सेशंस मिलते रहेंगे. हर रोज दिन में 12 बजे प्यारे बच्चों ये क्लास में लेता हूँ ग्रामर सीरीज. अगर आपकी ग्रामर बहुत बहुत वीक है और आप परेशान हो गए रूल नंबर से, ठीक है, रट रट के, तो प्यारे बच्चों आ जाइए हर रोज 12 बजे दिन में. अगर आपसे वहां पर कोई कोड मांगता है, तो कोड आप Ravi01 लगा दीजिए. Ravi01 लगाकर आप एक्सेस कर लेंगे आराम से उस क्लास को, ठीक है. इसके अलावा 10 बजे हर रोज प्यारे बच्चों शौर्य बैच प्लस कोर्स चल रहा है. अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं अकेडमी लर्निंग ऐप पर, तो वहां पर भी ये जो कोड है Ravi01 ये लगाइए, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा प्यारे दोस्तों. चलिए आइए अब शुरू करते हैं. चलिए अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है प्यारे बच्चों. SSC में अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है. हर संडे को 12 बजे होता है प्यारे बच्चों स्कॉलरशिप टेस्ट होता है. 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप आप यहां पर जीत सकते हैं. कोड इसके लिए भी Ravi01 लगाकर एनरोल कर लीजिए. शुरू करें, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आप बच्चों से जानना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि आप टेंस से क्या समझते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड टेंस? टेंस से आपको क्या समझ में आता है? ये जो वर्ड टेंस है, इससे आपको क्या समझ में आता है? सब बच्चे, हर बच्चे को रिप्लाई करना है. तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, एक एक चीज को नोट करते रहेंगे. नोट करना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है. वर्ड टेंस जो है प्यारे बच्चों, टेंस का मतलब होता है, वर्ड टेंस जो है इसका मतलब होता है टाइम. वर्ड टेंस का मतलब है टाइम. ध्यान रखना प्यारे बच्चों. अच्छा, टाइम कितने तरीके का होता है?
टाइम तीन तरीके का होता है, कौन कौन सा? प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हमने यहां से स्टार्ट किया कि वर्ड टेंस जो है बिल्कुल जीरो से, इसका मतलब होता है टाइम। अच्छा, टाइम कितने तरीके का होता है? आप में से हर किसी को पता होगा कि टाइम जो है वो तीन तरीके का होता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक बात है ना? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है डेफिनेशन में। इट इज नॉट डेफिनेशन, इट इज डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है? द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज वर्ड टेम्पस। बिल्कुल जीरो से, कहां से वर्ड आया है ये टर्म, कहां से इंग्लिश लैंग्वेज में आई, कहां से डिराइव हुई है। तो कह रहा है ये जो वर्ड टेंस है ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टेम्पस से डिराइव्ड है। गोरों ने, अंग्रेजों ने जो लैंग्वेज उठाई है वो मैक्सिमम वर्ड्स उठाए हैं ग्रीक और लैटिन से। तो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड प्यारे बच्चों टेम्पस से ये वर्ड टेम्प आया है। दिस वर्ड टेम्पस मीन्स टाइम। यानी कहीं पर भी अगर आपको टेम्प लिखा दिख रहा है प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे किसी वर्ड में टेम्प का मतलब क्या है? टाइम। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, टेम्पररी, कंटेम्पररी, टाइम से रिलेटेड है। हेंस टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच रेफर्स टू सम पर्टिकुलर टाइम। टेंस वर्ब की एक फॉर्म है और जो हर बार समय के बारे में हमें बताती है। ठीक है, नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, नोट करते रहेंगे। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? सबसे पहले हमेशा के लिए सीखना चाह रहे हो या इसे सिर्फ रटना चाह रहे हो? तो रट तो हम इतने साल से रहे हैं, अब हम इसे हमेशा के लिए सीखेंगे। क्या करना है प्यारे बच्चों? पहले वाले सेंटेंस का टेंस पता करो। फर्स्ट वाले सेंटेंस का टेंस क्या होगा बताएं? ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस ऐसे मत लिखना, पूरा टेंस बताना। दिमाग लगाओ कौन सा टेंस है। सब बच्चे दिमाग लगाएं किस टेंस में लिखा हुआ है। अब हमें टेंस पहचानने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। चलिए एक बार दूसरे वाला जो सेंटेंस लिखा है उसको पहचाने। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो काम हमने कभी नहीं किया हम यहां पर कर रहे हैं। हम बिल्कुल पहचानना, यानी टेंस पहचानना आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ वैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट वैसे नहीं सीखना। दूसरे वाले का क्या टेंस है? और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेजेंट टेंस है सर, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस नहीं। पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे करके पूरा हमें लिखना है प्यारे बच्चों। तो बताइए, लगाइए, जमा घटा गुणा भाग लगाइए, प्लस माइनस सब्स्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे रीजनिंग में करते हैं, जैसे मैथ्स में करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेंस पहचानना सीखना है। कौन सा टेंस है? गलत हो रहा होगा मुझे मालूम है। थर्ड वाला पहचानिए, थर्ड वन। पूरा टेंस ध्यान से देखें, कह रहा है वी हैड अ सीरियस टॉक ट्वाइस इन दिस मैटर। वी हैड अ सीरियस टॉक ट्वाइस इन दिस मैटर। पहचाने टेंस को। अब आपको लग रहा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस है ना? बट ऐसा नहीं है। फोर्थ वन देखें एक बार। इंडिया इज स्टिल फार बिहाइंड फ्रॉम बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। इंडिया इज स्टिल
far behind from becoming a developed nation. अभी भी बहुत पीछे है विकसित राष्ट्र बनने से इंडिया. अब यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मुझे पता है बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है. कुछ बच्चों को छोड़कर जो क्लासेस में रेगुलर है वो पकड़ लेंगे. अब मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं, उसको समझें. आपको मैंने पहले ही आपको बताया कि टेंस का मतलब होता है टाइम, ध्यान ना, अभी मैंने आपको समझाया था. टेंस का मतलब होता है टाइम. टाइम कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का. कौन कौन सा? एक तो प्रेजेंट टाइम, फिर कौन सा प्रेजेंट के बाद पास्ट का टाइम, फिर कौन सा पास्ट के बाद फ्यूचर का टाइम. ठीक बात है ना? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन तरीके का टाइम होता है. किसी बच्चों को यह पता है कि कितने तरीके की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं? डज एनीबडी नो देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? इंग्लिश में कितने तरीके के वर्ड्स हैं? ध्यान रखना, मैं ये नहीं पूछ रहा देयर आर हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स पूछ रहा हूं. इसीलिए अपने बेसिक्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए. जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, लैंग्वेज आपको परेशान करती रहेगी. इंग्लिश में कभी भी सही होगा, कभी भी गलत हो जाएगा. बेसिक्स अगर आपको ठीक कर रहे हैं तो हर वेंसडे को 12 बजे मैं ग्रामर की मैराथन क्लास लेता हूं, इंग्लिश की मैराथन क्लास ले रहा हूं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर. 3 या 4 रिकॉर्डेड क्लासेस वहां पर पड़ी हुई हैं, 2-2 घंटे की. अगर उनको आपको देख लेंगे तो आपको ये बेसिक वाली चीजें जीवन में कभी परेशान नहीं करेंगी. अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर चले जाइए, वहां पर रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएंगी प्यारे बच्चों. सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया क्या करें, रवि सिंह को सर्च कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए, आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी. प्यारे बच्चों, हमने बहुत बार पढ़ा है देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक बात है, गलत बात है? एक्चुअली जब हमें ये पढ़ाया गया ना तो थोड़ा सा गड़बड़ की गई. पार्ट्स ऑफ 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की जगह पता है उनको क्या कहना चाहिए था? उनको कहना चाहिए था 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स. लैंग्वेज में कितने वर्ड्स हैं इट नेवर मैटर्स, लेकिन कितने टाइप्स के हैं इट डज मैटर. तो लैंग्वेज में टोटल 8 टाइप के वर्ड्स हैं. ध्यान देना प्यारे बच्चों, अब मैं इसका बेसिक आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है? जो 8 टाइप्स के वर्ड्स हैं वो क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है. बोलो सही गलत? यही है ना 8 तरीके के वर्ड्स? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है दोस्तों, ठीक है? तो इनको टाइप्स ऑफ वर्ड्स कहते हैं. किसी भी लैंग्वेज में 8 ही तरीके के वर्ड्स हैं. हिंदी में होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ऐसे ही इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब. बाकी सब लैंग्वेज में भी इसी तरीके के 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं. इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए. तो अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इसमें कहीं टेंस नाम का वर्ड है? यस नो? प्यारे बच्चों, इसमें कहीं टेंस नाम का वर्ड है? नहीं है, नहीं है, ठीक है? तो फिर टेंस कहां से बनता है? चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता रहा हूं, आप उनको पहचाने. ध्यान रखना, ये रहा पहला सेंटेंस. राम goes to school पहचाने कौन सा टेंस लिखा हुआ है? सब बच्चे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. जो कोशिश नहीं करेगा वो जीत भी नहीं पाएगा. तो अब
अब आपने तुरंत पहचान लिया कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। किस वर्ड से आपने पकड़ लिया इसको? अच्छा, अगर मैं इसे ये कह दूं, राम वेंट टू स्कूल, अब कौन सा टेंस है? पहले था राम गोज टू स्कूल, अब हो गया राम वेंट टू स्कूल, अब कौन सा टेंस है? पता करें। एक एक चीज आपको समझ में आएगी अगर आप ध्यान देंगे तो, कभी जीवन में परेशानी नहीं होगी। जब भी परेशानी हो रिकॉर्डेड सेशन देखो, फिर एकदम से आपको पता लग जाएगा। सर पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सेंटेंस में किस वर्ड से आपको पता लगा, यानी मैंने क्या चेंज किया, ठीक है। ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन होता है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन या प्रोनाउन होता है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हर बार मैं चेंज करता हूं वर्ब को, और हर बार अगर मैं इसको कह दूं राम इज गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं कहूं राम वॉज गोइंग टू स्कूल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं कहूं राम हैज गोन टू स्कूल, प्रेजेंट परफेक्ट। राम हैड गॉन टू स्कूल, सर पास्ट परफेक्ट। तो ध्यान देना है, 8 तरीके के जो वर्ड्स अभी मैंने आपको बताए, उनमें से वर्ब ही टेंस होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 8 टाइप्स ऑफ जो वर्ड्स होते हैं उनमें से वर्ब ही टेंस होता है। यानी अगर हमें सही वर्ब पता लग जाए, ठीक है, वर्ब कहां पर है, ठीक है, और किस फॉर्म में लिखी है, तो हमें टेंस पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बोलो राइट रॉन्ग, एग्री डिसएग्री, एवरीबडी, ठीक बात है ना? तो ये है इसके पीछे का फॉर्मूला, यानी कि जो वर्ब है ना वही टेंस होता है। अब वर्ब है कहां पर? कह रहा वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स दिस ईयर। पहचाने जरा वर्ब कहां पर है? वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स दिस ईयर, वर्ब कहां पर है? वेयर इज द वर्ब? अब कुछ बच्चों को लग रहा है सर वर्ब ये गेटिंग जो है ना ये वर्ब है, ये वाला वर्ड, क्योंकि प्यारे बच्चों पता है बच्चों की आदत पड़ गई, जहां आईएनजी दिखेगा ईडी दिखेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कभी समझ में नहीं आएगा। आप एक काम करो, ये गेटिंग को ना सेंटेंस से हटा दो और देखो सेंटेंस सही है गलत है। वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑफ गुड मार्क्स दिस ईयर, सेंटेंस तो अभी भी सही है भाई, सेंटेंस तो अभी भी सही है। ध्यान रखना, एक सेंटेंस जो है वो 3 चीजों से बनता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सही गलत? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखना, कुछ बुक्स में लिखा है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से सेंटेंस बनता है। प्रेडिकेट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी सेंटेंस में बच गया वो प्रेडिकेट होता है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वी कैन नॉट फॉर्म इवन अ सिंगल मीनिंगफुल सेंटेंस। क्या कह रहा हूं मैं ये बता रहा हूं, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है मेरे दोस्तों, तो हम दुनिया में एक भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना सकते। वर्ब मस्ट है, पूरे ग्रामर की रीढ़ की हड्डी वर्ब है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें वर्ब कहां पर है। इसमें वर्ब है आर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब होती है। अरे ऐसा नहीं होता पागलों, हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब हेल्पिंग वर्ब अपने बाद लेकर आए मेन वर्ब को, ठीक है। सही बात है ना? हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है किसको? मेन वर्ब को। मेन वर्ब वो चीज होती है जिसमें एक्शन होता है, ठीक है। अब काफी सारे बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, बी का परिवार वर्ब बी, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, ठीक बात है ना? ये बनी वी वन। बी की सेकंड फॉर्म हो गई इसकी वॉज और वर, ये वी टू हो गई। इसकी थर्ड फॉर्म हो गई बीन, वी थ्री, और
इसकी जो फोर्थ फॉर्म हो गई वो हो गई बीइंग, आईएनजी फॉर्म, है ना। जैसे कि गो की फॉर्म क्या होती है, गो और गोज होती है, फिर वेंट होती है, फिर गॉन होती है, और फिर गोइंग होता है। ठीक बात है ना। वैसे ही बी के परिवार का भी वर्ब होती है। अब गोइंग एक एक्शन वर्ब है, ठीक है, बी जो है वो नॉन एक्शन वर्ब है। ध्यान रखना, ये जो यहां बी का परिवार लिखा है, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है लेकिन ये वर्ब भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉचिंग अ मूवी, और आई एम लिसनिंग टू अ सॉन्ग, और आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पर एक्शन है, एम हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, प्ले में एक्शन है। लेकिन मैं कहूं कि आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, आई एम रिच, आई एम पुअर, अब इन सारे सेंटेंस में एम ही बुक जो है वो आपकी वर्ब है। ठीक है, तो इज एम आर वॉज वर बीन बींग, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं, ऑक्सिलरी भी हो सकती हैं, और वर्ब भी हो सकती हैं। जिस भी सेंटेंस में एक्शन नहीं होता वहां पर ये खुद में वर्ब हो जाती हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस में कह रहा है कि वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स, तो हम क्वाइट पॉजिटिव हैं, वेरी पॉजिटिव हैं कि भाई होपफुल हैं कि हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। ये देखो, यहां देखो, यहां पर आओ, ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसको ऐसे ध्यान कर लो, ये गो हो गई या गोज हो गई, ठीक है। इनसे क्या बनेगा, इनसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। तो पहले वाला बना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस हो कहां से जाएगा बच्चों? कॉन्टिन्यूअस तो तब हो जाएगा जब उसके अंदर एक्शन होगा, कोई चीज चल रही होगी। एक्शन है ही नहीं उसके अंदर। ठीक बात है ना। चलिए आइए, अब दूसरे वाले सेंटेंस को पहचानिए, और हर बच्चे का बिल्कुल सही होना चाहिए। पहचाने, टेक योर टाइम। पहचानिए, लगाया पता कौन सा टेंस है? तो प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे अब बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि वो चीजों को एज इट इज पकड़ नहीं रहे, नोट नहीं कर रहे। टेंस पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट प्लस एज एम आर? नहीं, वर्ब ढूंढनी पड़ती है। वर्ब ढूंढने के लिए सबसे पहले आप ये देखो, क्या दूसरे सेंटेंस में कोई एक्शन है, कोई काम चल रहा है क्या? ही वॉज लेट अगेन आफ्टर टेलिंग हिम सेवरल टाइम्स। वह लेट था काफी बार कहने के बाद, बताने के बाद भी। जो था वो था, एक्शन तो है नहीं। तो ध्यान रखना ही, अब बच्चों को टेलिंग जो है ना वर्ब लग रही है, कुछ बच्चों को, सबको नहीं। नहीं, ये रहा, ये रही वर्ब। इज एम आर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकेंड फॉर्म। जैसे कि गो और गोज फर्स्ट थी, तो फर्स्ट से क्या बना प्रेजेंट, वेंट से क्या हो जाएगा, इस तरह ये वी टू है, उसी तरीके से ये भी बी वर्ब की वी टू फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म 12 टेंसेज में से सिर्फ एक ही टेंस में चलती है, दैट इज पास्ट इनडेफिनिट टेंस। ठीक बात है ना, सही गलत? तो टोटल 12 टेंसेस जो होते हैं, चार प्रेजेंट के, चार पास्ट के, चार फ्यूचर के, इनमें से वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में चलती है। दूसरे वाला बना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थर्ड वाले पर आओ, ध्यान से सब बच्चे ध्यान से बनाओ भाई, नंबर नहीं खोना है, ठीक है, नंबर खोदोगे गलत हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है।
फिर कंफ्यूजन। हालांकि कुछ बच्चे, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो सही पता लगा पा रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूँ। अब बच्चा हैड देखेगा ना, तुरंत चिल्लाएगा सर पास परफेक्ट। रॉन्ग, ये गलत है। खाली हेड से पास परफेक्ट बन जाएगा दोस्तों? ऐसा नहीं है यार, समझो चीजों को, ठीक है। ध्यान रखना पास परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट। देखिए मैं बताता हूं, इंग्लिश में अगर आपको कहीं पर हैज, हैव या फिर हैड दिख रहा है और उसके तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में आई हुई है, तब जाकर बनते हैं परफेक्ट टेंसेस। खाली हैड से नहीं बनते, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास परफेक्ट। ध्यान देना इस चीज को, नोट करना। अब कहानी क्या है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, इस वर्ब की, हैव की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है, ठीक है। लेकिन अकेली फॉर्म चल रही है सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है, जैसे गो से वेंट किया था अभी हमने। तो ये जो थर्ड वाला है ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एक्शन नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में एक्शन है तब कॉन्टिन्यूस बनता है, एक्शन है तो परफेक्ट बनता है, और एक्शन होगा तो ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। अगर एक्शन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट टेंस बनेगा, आपको ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब तो समझेंगे, लास्ट वाला पता लगाओ। सब बच्चे सब बच्चे सब बच्चे, पहचानो टेंस। पकड़ा? इंडिया इज स्टिल फार बिहाइंड फ्रॉम बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। मैं जानना चाह रहा हूं क्या इस सेंटेंस के अंदर कुछ हो रहा है, क्या कोई काम चल रहा है क्या? इंडिया इज बिहाइंड, बस इतने से समझो, इंडिया पीछे है। नहीं सर, इसमें तो कुछ नहीं चल रहा, इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो एक्शन नहीं है तो मैंने बता दिया, कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, परफेक्ट नहीं बनेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो फिर कौन सा है? सर ये इंडेफिनिट टेंस है। कहां का? प्रेजेंट का, पास्ट का? सर प्रेजेंट का, क्योंकि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये बना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतना आसान है, पता नहीं मुश्किल मुश्किल पता क्यों है, क्योंकि करने कराने का, सीखने सिखाने का तरीका गलत हो गया। रूल नंबर रूल नंबर रूल नंबर, ठीक है। मैथ्स में आपके पास रूल नंबर्स होते हैं क्या? कितने मैथ्स के रूल नंबर आपको लिखवाए गए हैं? रीजनिंग में, जीएस में कोई रूल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो फिर इंग्लिश में ये रूल नंबर वाली कहानी आई कहां से? गलत है ना, ठीक है। तो इसका मतलब टेंस पहचानने का सही तरीका क्या है? वर्ब ढूंढो, वर्ब वर्ब कहां पर लिखी है और किस फॉर्म में लिखी है, फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है, या फोर्थ मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। क्लियर है सब बच्चों को? कोई डाउट, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी तभी होगी जब आप नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, रूल नंबर्स में फंसे रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, टेंस वर्ड का मतलब टाइम होता है। टाइम तीन तरीके का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन में बता दिया था मैंने आपको कि टेंस वर्ड टेम्पस नामक वर्ड से आया है। टेम्पस वर्ड लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और टेम्पस का मतलब टाइम होता है। फिर पहचानना, हमने टेंस को शुरू किया, पहचानने के लिए क्या करना पड़ा? टेंस वर्ब होता है, वर्ब चैप्टर टेंस होता है। तो वर्ब सेंटेंस में कहां पर है और किस फॉर्म में लिखी है, वर्ब सेंटेंस में कहां पर है और किस फॉर्म में लिखी है, बस इतना सा फॉर्मूला है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है।
फंक्शन ऑफ टेंस इन इंग्लिश ग्रामर, ये काफी सारे बच्चों को नहीं पता होगा, नोट कर लेंगे। पूरी इंग्लिश में ग्रामर में टेंस का क्या फंक्शन है, कहां पर काम आता है? तो कह रहे टेंस जो है ना दो तरीके से हमारे काम आता है। प्यारे बच्चों टेंस जो है वो दो तरीके से हमारे काम आता है। सबसे पहले टेंस का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन बोले तो पहचानना आना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, ठीक है? कहाँ कहाँ पर काम आता है? तो कह रहा है दो चैप्टर में आपके बहुत काम आता है, एक तो वॉइस में और एक नरेशन में। अगर आपको टेंस पहचानना नहीं आता होगा तो आप दो चैप्टर नहीं बना पाएंगे, एक तो वॉइस और एक नरेशन। ध्यान रखना एसएससी सीजीएल सीपीओ इन सब में बहुत वेटेज है इन दोनों चैप्टर की, ठीक है? तो सबसे पहले टेंस को पहचानना आना चाहिए, नहीं तो हम ये सारे चैप्टर्स वॉइस नरेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अच्छा दूसरा क्या है? दूसरा टेंस का करेक्शन आना चाहिए। दूसरा जो आना चाहिए वो टेंस का करेक्शन आना चाहिए। अगर आपको करेक्शन नहीं आता तो टेंस नहीं कर पाएंगे और कंडीशनल चैप्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले टेंस देखिए, इंग्लिश में टेंस चैप्टर दो तरीके से काम आता है। एक तो इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए, पहचानना आना चाहिए। अगर पहचानना आ जाएगा तो वॉइस और नरेशन चैप्टर आप आराम से कर लेंगे। वॉइस ऑफ नरेशन, नरेशन में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, लेकिन बदले तो तब दोगे जब आप पहचान पाओगे टेंस कौन सा है। एग्री डिसएग्री, राइट रॉन्ग, ठीक बात है ना? टेंस पता ही नहीं लगेगा कैसे पहचान पाओगे, ठीक है? तो दूसरा जो है इसका करेक्शन आना चाहिए। करेक्शन हम सीखेंगे इसी चैप्टर में, अभी हम टेंस में, अभी हम पहचानना सीख रहे हैं और इसके बाद हम करेक्शन भी सीखेंगे, ठीक है? ठीक बात है ना? चलिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे अभी हम इसमें वो करेंगे, काफी सारी चीजों को सीखेंगे, ठीक है? तो हर रोज प्यारे बच्चों सुबह 6 बजे द हिंदू एडिटोरियल लगाया करो वाईफाई स्टडी चैनल पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम को 7 बजे ग्रामर की क्लास किया करो एसएससी गुरु चैनल पर। दिन में 12 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मेरे साथ स्पेशल क्लास में जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जीरो से ग्रामर सीखेंगे हम वहां पर। और दिन में 10 बजे शोर बैच आप मेरे साथ कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, अभी के लिए इतना ही सकते हैं। अगली क्लास में टेंस को इसके आगे से सीखेंगे, ठीक है? धन्यवाद प्यारे बच्चों, इसी तरीके से मन लगाकर सीखिए, अच्छे से पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।